यू फर्स्ट टाइम ही था क्या? खुश रहो। सुप्रभात, जय जिनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सबसे अच्छे और मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार भौरे का शरीर बहुत भारी होता है, इसीलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार भौरा कभी उड़ ही नहीं सकता। लेकिन भौरा फिर भी उड़ता है, क्योंकि भौरे को तो इस बात का पता ही नहीं है। भौरा यह मानता है, यह सोचता है कि वह उड़ सकता है, इसीलिए वह उड़ पाता है। यदि भौरा यह सोचता कि वैज्ञानिक कहते हैं कि मैं उड़ ही नहीं सकता, मेरा शरीर बहुत भारी है, तो क्या भौरा कभी उड़ पाता? कभी नहीं। भौरा कभी उड़ ही नहीं पाता, क्योंकि वह जिंदगी भर यही सोचता रह जाता कि मैं कभी उड़ ही नहीं सकता। गौतम बुद्ध ने कहा है कि हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। हमारे साथ वही होता है जो हम मानते हैं। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। यदि हम यह सोचते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे हाथ में नहीं है, हमें उतना ही मिलेगा जितना हमारे भाग्य में लिखा है, तो यह हमारी धारणा बिल्कुल गलत है। क्योंकि भाग्य पर हम जितना भरोसा करेंगे ना, उतना ही हम परेशान होंगे, लेकिन कर्म पर जितना जोर देंगे उतना ही ज़्यादा सफल होंगे। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। यदि हम अपनी सोच और अपने कार्य को एक सही दिशा दें तो हम अपने जीवन में जरूर सफल होते हैं। बस जरूरत है तो खुद के ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखना, क्योंकि आत्मविश्वास ही वो शक्ति है ना, जो किसी भी महान काम को करने के लिए बहुत जरूरी होती है। और सच मानिए, जिस दिन हमें पता चल गया ना कि हम कर सकते हैं, उस दिन हम कर भी लेते हैं। और किसी ने क्या खूब लिखा भी है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, खुद प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हमारे सुबह की शुरुआत ईख चूसने के साथ, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर फन वाला जागृति में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार काफी स्वस्थ है, काफी अच्छा है और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है नए जोश, नए उमंग के साथ और एक पॉजिटिविटी के साथ। सर्दी के मौसम में सुबह सुबह ईख नहीं चूसते, सर्दी हो जाएगी, ये बात ना पीछे से मम्मी बोल रही है। तो अभी हो रहा है सुबह का समय, ठंडी का मौसम आ चुका है और ठंडी के मौसम में सुबह सुबह का सूरज देवता का धूप कितना अच्छा लगता है ना, गुनगुना गुनगुना धूप। तो सुबह सुबह सूरज देवता का धूप लेने के साथ साथ ना गन्ना चूसने का भी पूरा आनंद लिया जा रहा है। बाकी पीछे से मम्मी डांट रही है तो गन्ना चूसना यही रहने देते हैं, बाकी चलते हैं बर्तन धोने के लिए, क्योंकि ना मम्मी बर्तन लेकर के बैठ चुकी है माँजने के लिए, तो फटाफट से धुल देते हैं। ठंडी का मौसम आ चुका है, मम्मी को कितना भी मना करिए लेकिन मम्मी का तबीयत जैसे ही थोड़ा सा अच्छा होगा ना अपना काम करना स्टार्ट कर देंगी। ठंडी के मौसम में ना मुझे बहुत डर लगता है कि ज़्यादा पानी पानी का काम करने से ना मम्मी का तबीयत कहीं ज़्यादा खराब ना हो जाए, लेकिन मम्मी मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं। तो अभी फिलहाल हम आ चुके हैं अपने किचन में और यहाँ पर हम चढ़ा रहे हैं दाल, और दाल के साथ ही हम उबालने वाले हैं आलू, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं ना मस्त टमाटरी, बनारस की फेमस चाट। तो ना हमें आलू उबालना था उसके लिए, तो हमने क्या किया ना, दाल में ही साथ ही साथ लगा दिया आलू भी, ताकि हमारा जो दाल है ना और आलू है वो दोनों एक ही साथ उबल के बढ़िया तैयार हो जाए। बाकी हल्दी नमक डाल करके अभी हमने चढ़ा दिया है दाल को और साथ ही साथ आलू को उबलने के लिए, और तब तक ना हम छौंक लेते हैं अपनी आलू और गोभी की मस्त भुजिया। तो मेहरबान कदरदान, सब दिल थाम के हो जाए तैयार, क्योंकि आज नाश्ते में ना मिलने वाला है मस्त टमाटरी, बनारस की फेमस खट्टी मीठी चाट। यूं तो बनारस में बहुत सारी चीज़ें फेमस है खाने पीने की, यहाँ तक कि बनारस की कई सारी गलियों का नाम भी ना खाने पीने की चीज़ों पर ही है, और बनारस की जो चाट है ना वो बहुत ही लाजवाब लगती है खाने में।
और बनारसी टमाटरी चाट की तो बात ही अलग है। ये खाने में जितनी टेस्टी लगती है ना, इसे बनाना उतना ही आसान है। 15 से 20 मिनट में चाट बिल्कुल झटपट से बन जाती है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगती है। तो हमारी जो भुजिया है वो बिल्कुल बन चुकी है, तो इसी कढ़ाई को खाली करते हैं और इसी कढ़ाई में बनाते हैं अपनी मस्त टमाटरी चाट। साइड में ना हमने तवे पर ना जीरा डाल दिया है भूनने के लिए, क्योंकि चाट बनाने के लिए हमें भुने हुए जीरे का पाउडर चाहिए ही, तो इसीलिए हमने जीरा भून लिया है साइड में। बाकी अभी हम जीरे को ना अच्छे से चौका बेलना पे कूच लेते हैं। और यहाँ पर जो हमने आलू उबालना था ना, वो आलू भी हमारे बढ़िया से उबल चुकी है दाल के साथ साथ। तो अभी हमने ना कढ़ाई में देसी घी डाल दिया है। ये वाली जो चाट है ना, इसको देसी घी में जब बनाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगता है। घी के गर्म हो जाने के बाद ना हम इसमें लगा देंगे तड़का अदरक और हरे मिर्चे का और अच्छे से लाल कर देंगे। बाकी इसमें डाल देंगे 4 से 5 अच्छे से बारीक काट करके काजू, उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े मसाले, जैसे कि थोड़ा सा जीरा पाउडर जो हमने भून के रखा हुआ था, वो वाला जीरा पाउडर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। फिर हम इसमें डालेंगे ना चाट मसाला पाउडर, तो एवरेस्ट वाला जो चाट मसाला आता है ना उसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा चाट मसाला को अभी डालेंगे और आधा चाट मसाला बचा कर रखे रहेंगे बाद में यूज करने के लिए। बाकी सारे मसालों को ना थोड़ा सा भून लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे अपने टमाटर, और टमाटर डालने के बाद हम डाल देंगे नमक, ताकि हमारा टमाटर बढ़िया से गल जाए। टमाटर को अच्छे से पकाने के लिए ना अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं, और जब तक हमारा टमाटर पक रहा है ना तब तक हम अपने इमली का जूस बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी इमली को ना भिंगा के रखा हुआ था, वो थोड़ा सा फूल गया है, तो अभी उसको अच्छे से मसल मसल के उसका जूस निकाल लेते हैं। और अभी हमारा टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है, तो हम अपने ना इमली वाले जूस को टमाटर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। बाकी अब हम इसमें डाल देते हैं अपने उबले हुए आलू, और बस बढ़िया तरीके से ना आलू को मैश कर देते हैं टमाटर के साथ। ये वाली चाट ना सच मानिए इतनी झटपट बनती है, लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत ही कमाल का आता है। और अभी जो इसकी खुशबू आ रही है ना, उससे तो एकदम भूख अंदर से बढ़ गई है। तो फटाफट से बनाते हैं और फिर खाते हैं। टमाटरी चाट बनाने के लिए हमारा मेन बेस तो बनके तैयार हो चुका है, बाकी अभी चलिए बनाते हैं अपने ठेले वाले भैया का मेन सीक्रेट चीज, और वो है जीरा वाला पानी, जो कि इस चाट के टेस्ट को बहुत ही बढ़ा देता है। बाकी ठेले वाले भैया का जो जीरा पानी है, उसको बनाने के लिए ना यहाँ पर हमने लिया है 2 छोटी वाली गिलास से ना भर करके पानी, बाकी 1 छोटी गिलास से ना आधा गिलास करके डाल दिया हमने चीनी। इसके बाद ना हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, और जो हमने चाट मसाला बचा के रखा हुआ था ना उसको डाल देंगे। यदि हम चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला है। और यहाँ पर देखिए, हम हमने टमाटरी चाट के बेस में ना धनिया पत्ती डालना ही भूल गए थे, तो चलिए अभी धनिया पत्ती को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बाकी हमने जो जीरा वाला पानी चढ़ाया है ना गैस पर, उसको बस 5 से 10 मिनट के लिए ना हमें अच्छे से उबाल लेना है, जब तक कि हमारी सारी चीजें अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और अभी 5 से 10 मिनट तक ना अच्छे से पका लेने के बाद हमारी टमाटरी चाट बनाने के लिए टमाटर का बेस और हमारा जीरा पानी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब चलते हैं अपना चाट फटाफट से बना लेते हैं। तो अपनी खट्टी मीठी टमाटरी चाट बनाने के लिए ना हमें सबसे पहले ना अपने कटोरी में लेना है टमाटर वाला बेस, उसके ऊपर डाल देना अपना जीरा वाला पानी, बाकी उसके ऊपर लास्ट में डाल देना है 1 चम्मच के करीब देसी घी। देसी घी से टेस्ट बहुत ही कमाल का आता है, और यदि हम चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर ना हमें डाल देना है अपना हल्दीराम वाला भुजिया नमकीन, और बस हमारा मस्त टमाटरी चाट बन के तैयार हो चुका है। यदि हम चाहें ना तो इसके ऊपर खट्टी चटनी, मीठी चटनी, प्याज को कट करके डाल सकते हैं, पापड़ी को भी डाल सकते हैं, मूली को रेत करके डाल सकते हैं, लेकिन ना उन सब के बिना भी यह चाट बहुत ही कमाल की लगती है। बाकी हम सभी की भी प्लेट लग चुकी है, तो आइए फटाफट से टेस्ट करते हैं अपनी बनाई हुई खट्टी मीठी टमाटर की चाट और देखते हैं कैसा बना है। शुरुआत को जारी रखते हैं तभी हम सफल होते हैं। YouTube की जर्नी को स्टार्ट करना मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी, नामुमकिन सा काम था मेरे लिए। शुरुआत में मैं भी यही सोच रही थी कि स्टार्ट कैसे करूं। किसी का साथ नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, यहाँ तक कि मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरा कोई चैनल भी है। लेकिन फिर भी मेरा बस जुनून, मेरी इच्छा शक्ति ही थी। वो कहते हैं ना कि जब कोई काम हम अंदर से ठान लेते हैं कि हमें करना है तो हम कर कर ही रहते हैं। और बस मैंने एक सोच के साथ और एक उम्मीद के साथ अपनी YouTube की जर्नी को स्टार्ट कर दिया। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा कोई YouTube चैनल है या फिर मैं YouTube पर काम करना चाहती हूँ, मैं अपना चैनल बनाना चाहती हूँ, मैं भी YouTube से कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। हाँ, शुरुआत में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बहुत सारे ताने भी सुनने को मिले। अंदर से बहुत डर लगता था कि जब सबको पता चलेगा, खासतौर से मेरे पापा को पता चलेगा, तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा। क्योंकि मैंने अपने पापा को नहीं बताया था कि मैं YouTube चैनल स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैं ऐसा कुछ करने जा रही हूँ।
बहुत अंदर से डर था, बस मम्मी को बताया था और अपने बहनों को बताया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, भगवान जरूर कुछ सोच के रखा रहता है। कभी कभी हम करना कुछ और चाहते हैं लेकिन भगवान हमें कोई और ही रास्ता दिखाता है। इसीलिए यदि हमारे मन में किसी काम के प्रति इच्छा आ रही है, यदि हमें लगता है कि हम वो काम कर सकते हैं, तो हमें उस काम को करने के लिए जरा भी देर नहीं करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि उस काम को जब हम शुरू करें तो हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आए, हमारा पूरा सफर संघर्षों से भरा हो, लेकिन जब हम सफल हो जाते हैं ना, तो वो सारा संघर्ष हमें असीम खुशी देता है। हमारे सफल होने पर अपने मायने को बताता है। अपने पूरे परिवार से यह बात बांटते हुए मुझे अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आप सभी के आशीर्वाद से आपकी जागृति का पहला पेमेंट आ गया है। आप सभी मुझे बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि मेरा पेमेंट आया कि नहीं। अपने YouTube चैनल के स्टार्ट करने के 4 महीनों के बाद आप सभी के आशीर्वाद से आपकी जागृति का पेमेंट आया है। YouTube की तरफ से यह पहला पेमेंट है, और सच कहूँ तो यह पेमेंट तो सिर्फ एक पड़ाव है, असली लक्ष्य तो आप सभी का आशीर्वाद और आप सभी का प्रेम है। यदि मैं सच कहूँ ना, तो असलियत में आप सभी का प्रेम, आप सभी का आशीर्वाद और आप सभी से मिलने वाला इतना सम्मान, वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। आप सभी मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना सम्मान देते हैं। आपको पता है, आप सभी के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के ना मुझे कभी कभी बहुत रोना आ जाता है। आप सभी के इतने प्यार के सामने मेरे शब्दकोश खाली पड़ जाते हैं। मुझे तो कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि मैं आप सभी का जवाब क्या दूँ। मैं सच में अपने आप को ना बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ जो मुझे भगवान ने इतना प्यारा परिवार दिया है, जो मुझे इतना प्यार करता है, मुझे इतना सम्मान देता है। और सच मानिए तो इस प्यार और इस सम्मान के आगे ना ये पेमेंट कुछ भी नहीं है। जो प्यार और जो सम्मान मुझे मेरे पूरे परिवार से मिलता है ना, उस प्यार और उस सम्मान के आगे ये पैसा कुछ भी मायने नहीं रखता। आपको पता है, अपने परिवार से मिलने के पहले ना मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी। अपने दुख अपने दर्द को समझ में नहीं आता था कि किसके साथ बांटूं। लेकिन जब से मुझे मेरा परिवार मिला है ना, मुझे और कुछ सोचने का समय ही नहीं मिलता। मुझे ऐसा परिवार मिला है जिसके साथ मैं अपने सारे दर्द बांट सकती हूँ, अपने सारे दुख अपने सारे तकलीफ को शेयर कर सकती हूँ। जितना प्यारा परिवार भगवान ने मुझे दिया है ना, मुझे नहीं लगता कि उतना प्यारा परिवार इस दुनिया में किसी और के पास होगा। सच बताऊँ तो मुझे कभी भी अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं था कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगी। इन 3 से 4 महीनों में मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी, मुझे कभी भी विश्वास नहीं था। इतने सारे लोगों का मुझे इतना प्यार मिलेगा, मुझे सच में विश्वास नहीं था। कभी कभी तो मैं ना सोचने लगती हूँ कि ये सब हकीकत है या फिर एक सपना है। मैं सच बताऊँ तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है आप सभी का धन्यवाद देने के लिए। आप सभी का मैं कैसे धन्यवाद कहूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगी ना कि आप सभी हैं, आप सभी का प्यार है, तभी ये जागृति आज हरफन मोहल्ला जागृति है, वरना ये जागृति कुछ भी नहीं है। बस ज्यादा नहीं बोलूंगी, बोलने को तो बहुत कुछ है, ज्यादा नहीं बोलूंगी वरना सच में मैं रोने लगूंगी। मैं रोना नहीं चाहती हूँ, मैं सच में रोना नहीं चाहती हूँ और आप सभी को रुलाना नहीं चाहती हूँ। आप सभी को इतना प्यार मिलता है ना कि आज तक जिंदगी में मुझे कभी भी इतना किसी से प्यार नहीं मिला है। और आप सभी का जब इतना मुझे प्यार मिला है ना, इतना सम्मान मिला है, तो बस रोना आ जाता है कभी कभी, बाकी और कुछ भी नहीं है। मैंने मेरे जीवन में आज तक हर एक चीज को ना बहुत संघर्षों के बाद पाया है, और आज मेरे पास इतना बड़ा परिवार है, इतना ज्यादा लोगों का प्यार है, तो बस उन्हीं सब बातों को सोच करके ना थोड़ा सा रोना आ जाता है। बाकी आप सभी मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सभी मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, उसका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं सच कहूँ तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है आप सभी के प्यार और सम्मान के आगे। बस मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगी कि आप सभी हैं तो ये जागृति है, वरना वरना नहीं है।